नमस्कार जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर नारा शहर में फायरिंग, भाषण के दौरान हमलावर ने पीछे से मारी गोली, हालत नाजुक। उत्तराखंड में नदी के तेज बहाव में बही पंजाब के पर्यटकों की कार, सवार 10 लोगों में 9 की गई जान, एक की हालत गंभीर। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू यादव की तबीयत में आया हल्का सुधार, ऑक्सीजन सपोर्ट हटा, खिचड़ी खाई, परिजनों से भी की बात। महाराष्ट्र में ताश के पत्तों की तरह बिखर रही उद्धव ठाकरे की सेना, ठाणे के बाद अब नवी मुंबई के पार्षद भी शिंदे गुट में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का पहला रोड मैप आज होगा तैयार, मिशन 75 को पूरा करने के लिए आगामी कार्यक्रम किए जाएंगे तय। पहली बार मिले अमेरिका ब्रिटेन के FBI और MI5 प्रमुख, चेतावनी देते हुए कहा पश्चिम के लिए सबसे बड़ा खतरा है चीन। NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मुर्मू आ जाएंगी लखनऊ, चुनाव में भाजपा नेताओं से करेंगी समर्थन की अपील। द्रौपदी मुर्मू को राज्य अतिथि का दर्जा देगी ओडिशा सरकार, राष्ट्रपति उम्मीदवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया कदम। अगस्त से शुरू होगा अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैलियों का आयोजन, रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने दी जानकारी। जगनमोहन को चुना जाएगा YSRC का आजीवन अध्यक्ष, इसके लिए पार्टी के संविधान में किया जाएगा संशोधन। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री कामराज के परिसरों पर विजिलेंस के छापे, भ्रष्टाचार मामले को लेकर कई शहरों में चल रही है जांच। एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा यौवन प्राप्त कर चुकी नाबालिग मुस्लिम लड़की पर भी लागू होगा पॉक्सो। रूस के दोनेस्क और खारकीव पर दागी लंबी दूरी की मिसाइलें, हमले में 12 लोगों की गई जान, रॉकेट सिस्टम और डिपो नष्ट। मोहम्मद जुबेर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। अगले साल पूरी दुनिया पर पड़ सकती है भयंकर मंदी की मार, रिपोर्ट में दावा कच्चा तेल हो सकता है $45 प्रति बैरल। बीते 15 सालों में 2,35,00,000 भारतीयों का कुपोषण हुआ दूर, UN रिपोर्ट में दावा, कई मानकों पर सेहत में आया सुधार। UP विधान परिषद में सपा ने गंवाया नेता विरोधी दल का पद, 40 दिन की इस कुर्सी पर रह पाए लाल बिहारी यादव। गुजरात कांग्रेस में 7 नेताओं को नियुक्त किया कार्यकारी अध्यक्ष, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने शुरू की तैयारियां। दिल्ली की जनता अब लड़ेगी वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग, केजरीवाल सरकार ने लॉन्च की पर्यावरण मित्र योजना। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, हाइब्रिड आतंकी को किया गिरफ्तार, गोला बारूद किए बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास बारूदी सुरंग में विस्फोट, चपेट में आने से पोर्टर घायल, मामले की जांच में जुटी सेना। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 18,815 नए मामले, इस दौरान 38 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। कोरोना वायरस का बदलता स्वरूप, जांच को दे सकता है चकमा, समिति ने कहा रैपिड से ज्यादा RT-PCR जांच करें राज्य। CM ममता बनर्जी पर दिलीप घोष की टिप्पणी से विवाद, TMC महासचिव अभिषेक ने की गिरफ्तारी की मांग। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने अग्निपथ योजना को लेकर कसा तंज, बोले 7,50,000 आवेदन मिलना बेरोजगारी की विकराल स्थिति का प्रमाण। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने CM पिनराई विजयन से मांगा इस्तीफा, बोली इतिहास में पहली बार किसी CM पर लगा तस्करी का आरोप। मंत्री आर के सिंह ने ब्लैक आउट से बचने के लिए बिजली संयंत्रों को दी नसीहत, बोले 10% कोयला मिश्रण से काफी हद तक दूर होगा बिजली संकट। केंद्रीय मंत्री के बाद भविष्य के सवाल पर बोले RP सिंह का, अब युवाओं को प्रशिक्षण देकर JDU को बनाऊंगा मजबूत। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया पेशा नियम 2022 का अनुमोदन, सभी वर्गों के ग्राम सभा की समितियों को मिलेगा प्रतिनिधित्व। गोवा समेत पूर्वोत्तर में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट। हरियाणा के जींद में अवैध दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने स्कूल से 1.5 क्विंटल दवाओं के साथ 2 को किया गिरफ्तार। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में अब 11 जुलाई को होगी सुनवाई, आज का सुनवाई योग्य है या नहीं इस बार अदालत करेगी फैसला। लखनऊ पहुंचे विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बयान, बोले अगर राष्ट्रपति चुना गया तो संविधान के प्रति रहूंगा जवाबदेह। दिल्ली में जोखिम श्रेणी में चिन्हित किए गए 375 से अधिक घर, नगर निगम ने भवनों को ध्वस्त करने या मरम्मत की बताई जरूरत। निगम के एकीकरण के बाद अब पूरी दिल्ली में संपत्ति कर होगा एक, रिहायशी और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को मिलेगी 10% की छूट। आगरा मेट्रो के लिए आज से शुरू होगा पटरी बिछाने का कार्य, पहले चरण में 3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन पर शुरू होगी सेवा। दिल्ली में देसी शराब के आपूर्तिकर्ताओं की बड़ी लाइसेंस की अवधि, लाइसेंस धारकों को 1 महीने के लिए शुल्क का करना होगा भुगतान। पंजाब में 21 IAS और 47 PCS अधिकारियों का तबादला, सुमेर सिंह सचिव और कुमार अमित बने मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्विटर को भेजा कानूनी नोटिस, देवी काली पर फिल्मकार लीना की पोस्ट को हटाने का दिया निर्देश। UP कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर को 2 साल कारावास की सजा, मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में अदालत ने ठहराया दोषी।
मदर डेयरी ने सोयाबीन और राइस ब्रान तेल की कीमतों में की कटौती। एक दिन पहले सरकार ने कंपनियों को तेल सस्ता करने का दिया था निर्देश। 194 से घटकर 185 रुपए प्रति लीटर होगा धारा रिफाइंड की कीमत। 15 से 20 दिनों में सूरजमुखी तेल के MRP में भी कमी आने की उम्मीद। दिल्ली NCR में शनिवार तक उमस भरे मौसम से राहत की उम्मीद नहीं। राजधानी में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। रेलवे ने 10 महीने की बच्ची को अनुकंपा के आधार पर दी नौकरी। इतिहास में पहली बार इस उम्र की किसी बच्ची को दिया गया है प्रस्ताव। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने महंगाई को लेकर केंद्र पर कसा तंज। बोले, महंगाई कम नहीं हुई तो आंकड़ों को मोदीफाई करना चाहती है सरकार। बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभारी सतीश अग्निहोत्री बर्खास्त। राजेंद्र प्रसाद को 3 महीने के लिए सौंपा गया परियोजना निदेशक का प्रभार। कैंडल मार्च की इजाजत न देने पर गांधीनगर थाने पर पथराव। उपद्रवियों ने PCR की 3 गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त। पहले T20 मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 50 रन से हराया। लगातार 13 T20 जीतने वाले पहले कप्तान बने रोहित शर्मा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 198 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 148 रन पर हो गई ढेर। हार्दिक ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी बिखेरा जलवा। 4 ओवर में झटके 4 विकेट, बने प्लेयर ऑफ द मैच। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।